एक लंबे समय से ग्राउंड रिपोर्टर को इस बात की सूचना मिल रही थी कि थाना धरनावदा अंतर्गत वाहनों से अवैध उगाई जारी है, जिसके बारे में हमने पुलिस अधीक्षक से भी बात की, लेकिन पुख्ता सबूत होने के अभाव में हम उसकी खबर प्रकाशित नहीं कर पाए। लेकिन इस मामले को पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा ने तत्परता दिखाते हुए संज्ञान में लिया। वहीं औचक निरीक्षण कर पाया कि राजस्थान से आने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो इस मामले में झागर चौकी के केवल एक कर्मचारी को छोड़कर बाकी सभी को लाइन अटैच कर दिया गया है। इस मामले में एक बात जो समझ से परे है वह यह है कि जब धरनावदा थाना अंतर्गत राजस्थान से आने वाली गाड़ियों की अवैध उगाई की जा रही थी, तो फिर धरनावदा थाना प्रभारी को क्या इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? यदि धरनावदा थाना प्रभारी को इसके बारे में जानकारी थी तो उन्होंने अवैध तरीके से उगाई करने वालों को क्यों नहीं रोका? साथ ही साथ धरनावदा थाना प्रभारी को इस कार्यवाही से अलग रखने पर भी पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा होता है, जबकि ये धंधा पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा था और ऐसा हो नहीं सकता कि इसकी जानकारी थाना प्रभारी को ना हो।